बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, हमारे जो कज़न है गांव जा रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे उसका कराची में क्या रिएक्शन रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, क्या हाल है आपको? कराची के खूबसूरत मनाजिर कैसे लगे? गलियों में जितना खुशबू निखरते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनको बंदा इग्नोर करना पड़ता है, ये कहीं चला जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत हरियाली जगहों को आप हमारे इधर के अवामी के स्पेशल जो बाग पे आपको हमने लेके गया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वहाँ पे जो तालाब है, नहर बहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बाकी सब ठीक है, पानी थोड़ा सा काला है, बस पानी थोड़ा काला है, पानी का थोड़ा सा फर्क है। ये इस वजह से काला है क्योंकि गटर का पानी है। अच्छा, मगर एक लुक देते नहीं देते, लुक के साथ खुशबू भी देते। हाँ ये बात है, लेकिन नाजरीन ये कराची के कराची में आए थे एक महीने के विजिट के लिए, तो ये आज जा रहे हैं। अच्छा, खुशबू बहुत सा रही है, आप सुन रहे होंगे। तो ये हमारे अफजल भाई है, ये बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। अफजल भाई आप क्यों हंस रहे हैं? और ये हमारे गांव का मशहूर चाय, इधर दिखा यार, पोई चाय पीने पी रहे। ये हमारे हॉस्टल टाइप का रूम है, तो इनकी खूबसूरती पर आप ना जाए, किताबें रखे हुए सारे, नज़र आ रहा है शायद मेरे कैमरा थोड़ा सा लाइट डिम होने की वजह से मेरा कैमरा इतना खास फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जी, और आप देख रहे हैं, ये भी आप देख रहे होंगे। चले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर आप कराची वालों को एक पैगाम देते हुए। मैं कराची वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, प्लीज़ जितना हो सके अपनी साफ रखें और चोरी वगैरह कम करें। अभी तक 1 रुपये भी चोरी हुए आपसे? सुनाई हुई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाख।